गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट वीक्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सम सीड्स लाइक राइस, वीट्स, मैज द बिलोंग टू ग्राम फैमिली हैव ओनली वन सीड एंड सम सीड लाइक पीस, बीन्स हैव टू सीड्स लीव्स। ओके, टू बी कंटिन्यू, द बी ए बी वाई बेबी पी एल ए एन टी प्लांट R E M A I N S remains, I N S I D E inside, the H double E D seed, T I double L till, I T eat, G E T S gets, F A V A V O U R A B L E favorable, C O N D I T I O N S conditions to grow. द बेबी प्लांट रिमेन इनसाइड द सीड। देखिए, जो बेबी प्लांट होता है वो सीड के अंदर जब तक रहता है टिल इट गेट फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो, जब तक उसे उसकी ग्रो करने के लिए कंडीशंस फेवरेबल जो उसकी स्थिति है वो मिलती रहती है, उसके अनुसार तब तक वो अच्छे से ग्रो करते रहता। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। पी एल ए एन टी एस प्लांट्स P R O D U C E produce a V E R Y very, L A R G E large, N U M B E R number of, H double E D S seeds, B U T bird, A double L all of, T H E M them, D O do, N O T not, G E R M I N I T egg germinate. प्लांट्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। देखिए, जो प्लांट होते हैं एक ज़्यादा जितने ज़्यादा सीड्स होंगे उतनी एक बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट जर्मिनेट, लेकिन सभी कुछ कुछ जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। द एच डबल ई डी ए सीड्स बी ई जी आई एन बिगेन टू जी ई आर एम आई एन ए टी जर्मिनेट O N O L Y only U N D R under F A V O U R A B L E favorable C O N D T I O N S conditions H double E D S seeds N double E D need air water and worm for germination. द सीड्स बिगेन टू जर्मिनेट ओनली। देखिए, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो तभी जर्मिनेट होना शुरू होते हैं केवल अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उनके अनुसार उनकी सारी कंडीशंस मिल पाती उन्हें, जैसे किसी भी बीज को जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो करने के लिए हवा की, पानी की और टेम्परेचर की जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। ओके, अ जी ई आर एम आई एन ए टी आई एन जी जर्मिनेटिंग H double E D seed, N double E D S needs, A I R air, B E C A U S E because, I T E, R E Q U I R E S requires, O X Y G E N oxygen, F O R 4, B R E A T H I N G breathing, H E N C E hands, H double E D S seeds, D O D N O T not G E R M I N A T E germinate I N in T H E the A B S E N C E absence of A I R air W A T E R water I S is A L S O also N double E D D needed F O R 4 G E R M I N A T I O N germination B E C A U S E because I T eat H E L P S helps to S O F T E N soften the seed coat. देखिए, a germinating seed needs air. देखिए, germinating seed, किसी भी seed को germinating होने के लिए हवा की जरूरत होती है, क्योंकि इट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, क्योंकि यही हवा उन्हें सांस लेने के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होती है। रूट सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर।
और हवा की अनुपस्थिति में कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता है। इसके अलावा वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर जर्मिनेशन, इसके लिए हवा के अलावा पानी भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है जर्मिनेशन के लिए, बिकॉज इट हेल्प टू सॉफ्टन द सीड कोट, क्योंकि सीड कोट को बहुत सॉफ्ट बनाता है। इट ऑल्सो चेंज द फूड स्टोर इन द कोटलीडन्स इंटू अ सॉल्यूबल फॉर्म, और जो क्या करता है, इट हेल्प टू सॉफ्टन सीड कोट को बहुत सॉफ्ट बनाता है। ओके सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।